आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे नहीं रहना है यहाँ, मुझे घर जाना है. आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर भेज दो, मुझे नॉमिनेट कर दो, मुझे बस घर जाना है. लेकिन नहीं जा पाओगी ना खानजादी, आपने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया है, अगर जाना है तो 2 करोड़ 2 शो को और जाओ, और सबको या तो फिर सबको बोलो कि मुझे नॉमिनेट कर दे, मुझे नॉमिनेट करो, वोटिंग कम पड़ेगी तो मैं घर से बेघर हो जाऊंगी. अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हुआ ही कुछ ऐसा है. कल वीकेंड का वॉर हुआ और उसमें सलमान खान सनी लियोनी और अभिषेक सिंह के सामने मतलब शो पर थे और बात हुई खानजादी की फिजिकल हेल्थ के बारे में और उसने कहा कि वो नहीं सुन सकती. तो उसके बाद सलमान खान कहते हैं बस यार खानजादी बहुत हो गया, बोर सहन नहीं होता है. तो वो बोलती है कि मैं अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी. सब मिलाकर बात क्या हुई, वो उठकर चली गई. सलमान खान बोल रहे थे, वो रोती रोती चली गई वॉशरूम में और 2-3 लोग उसके पीछे गए, अंकिता गई, अनुराग गया, ये सब गए उसके पीछे. लेकिन सब मिलाकर देखा जाए तो क्या ये खानजादी की स्ट्रेटजी थी कि सारे कैमरे उन्हें टुकुर टुकुर देखे, क्या ये खानजादी का गेम प्लान था कि सारा ध्यान उन पर खींचा जाए. क्योंकि देखा जाए तो वीकेंड का वॉर चल रहा था, सनी लियोनी आई हुई थी अभिषेक सिंह के साथ अपना गाना थर्ड पार्टी प्रमोट करने के लिए और ये सब ड्रामा हो गया और सलमान खान को दोनों को वापस भेजना पड़ा. अब बात की जाए तो सलमान खान ने काफ़ी डांटा खानजादी को. फिरोजा खान उर्फ खानजादी इमोशनल हो गई, उन्होंने कहा कि बिग बॉस से कहा कि भाई मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है, और छोटे बच्चे जैसे करते हैं ना, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है. खानजादी ने भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट किया, उन्होंने इतना धमाल मचा दिया घर में, इतनी आप कह सकते हो कि इतनी उधम मच गई घर में कि सारे उसके पीछे कि मत कर खानजादी, मत कर, चुप हो जा. और खानजादी बस एक ही बात की रट लगाई हुई थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं रहना है. खानजादी कहती है कि मेरी फिजिकल हेल्थ की बात मत करो. तो सलमान खान कहते हैं व्हाट्स हर फिजिकल हेल्थ, क्या है ये, किसके बारे में बात कर रही है, मतलब कि सलमान को नहीं पता होता. देन अंकिता एक्सप्लेन करती है कि वो 3 साल से व्हीलचेयर पर थी और वो उस दिन गिरी, उसको चोट लगी, तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसके फिजिकल हेल्थ के बारे में बोला जाता है. तो देन सलमान खान ने कहा कि वो खुद ही फिजिकल हेल्थ वाले मैटर को लेकर आई है, किसी को नहीं पता था, उसने खुद ही सबको बताया. तो सलमान खान गुस्से में कह देते हैं कि भाई मेरे सामने सब नहीं चलेगा. खानजादी अब्यूज भी करती हैं, मतलब सलमान खान के सामने नहीं, लेकिन वो जब कहती हैं कि मुझे घर जाना है तो वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल देती हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी. सलमान खान ने ये भी कहा कि खानजादी जो ये ड्रामा कर रही है उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि उनके साइकाइट्रिस्ट से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि वो फिट है, तभी वो घर के अंदर आई है. हम सब जानते हैं कि घर के अंदर आने से पहले आपको बताना होता है कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखानी होती हैं. तो ये सब हुआ तो खानजादी वॉशरूम में रोती रहती हैं और बाहर भी नहीं आती हैं. फिर सलमान खान एलिमिनेशन अनाउंस कर देते हैं कि जुगना वो आप एलिमिनेट हो गई हैं और वो चले जाते हैं. खानजादी को फिर कुछ मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड की जाती है और वो अपनी डॉक्टर को जो समस्याएं बताती हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हो रहा है, कि उन्होंने बोला मैं गिरी थी, मैं ठीक हो गई थी बीच में, लेकिन फिर घर वालों ने बोलना शुरू कर दिया और मेरे दिमाग में वो चीज़ें आने लगी. लेकिन 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 मामला तब फंसता है जब बात आती है खानजादी की रिपोर्ट्स पर. अंकिता कहती है तुम्हारी रिपोर्ट्स करेक्ट हैं, शो के हिसाब से यू आर परफेक्टली फाइन. लेकिन वो कहती हैं वो साल 2015 की रिपोर्ट्स हैं, तब मैं एक्स के साथ रहती थी, मैं यहाँ रहती थी. तो रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स वर परफेक्टली फाइन, लेकिन पता नहीं खानजादी किन बातों को घुमा रही है या खानजादी को एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा है कि वो किस चीज़ से गुजर रही है. तो इसमें दो ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, या तो खानजादी सिर्फ उनकी एक स्ट्रेटजी है सारा ध्यान खुद पर खींचने की, या तो खानजादी खुद कन्फ्यूज हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे क्या बताना है. पिछले एपिसोड में भी खानजादी को डांट पड़ी थी, सलमान खान ने बोला था तुमने सिर्फ एक गिफ्ट हैम्पर के लिए अभिषेक को ऐसे बोला है कि हाँ तुम भी उसको पसंद करती हो, ऐसा कुछ हुआ था. तो उन्होंने बोला सिर्फ एक गिफ्ट हैम्पर के लिए तुमने झूठ बोला. उसके बाद भी बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ था, तो उन्होंने बोला था बस खानजादी मुझे माफ़ कर दे और नहीं होगा. उन्होंने बोला कैटरीना आई हुई है, फिल्म प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं, दिवाली है, सब इतने खुश है और तुमने ये सब ड्रामा क्रिएट कर दिया. और अब सनी लियोनी आई और ड्रामा क्रिएट हो गया. तो ये सब बातें हुई. उसके बाद जब ये रिपोर्ट्स की बात हुई, ये सब बात हुई, तो मामला थोड़ा सा शांत हो गया. लेकिन अगले दिन देखा गया कि खानजादी कहती है मुझे तो घर में नहीं रहना है. उन्होंने तो एक मन बना लिया कि भाई मुझे घर में नहीं रहना है. ये सब बातें हुई, खानजादी बोल रही है कि उन्हें घर में नहीं रहना है और अनुराग डोभाल उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. सपोर्ट इन द सेंस वो बोल रहे हैं कि ठीक है तू जो बोल रही है वो ठीक है, लेकिन घर से जाने की बात मत कर, क्योंकि एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा आया था कि जब मुझे भी लग रहा था, लेकिन हम उस चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं. ये सब हुआ, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो एक नया ट्विस्ट शायद आ सकता है. यानी कि बिग बॉस के जो सीजन 16 के कंटेस्टेंट थे अब्दू रोजिक,
उन्होंने अपने इंस्टा पर कुछ लिखा है, उन्होंने अपने इंस्टा पर पता क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि स्टे स्ट्रॉन्ग खानजादी, आई एम कमिंग टू सपोर्ट यू। तो क्या अब्दू रोजिक खानजादी को सपोर्ट करने के लिए बिग बॉस के घर में आएंगे? जैसे ही ये इंस्टा पर उनकी स्टोरी वायरल हुई, बिग बॉस के फैंस ने ये क्यास लगाने शुरू कर दिए कि भाई अब जो अब्दू रोजिक हैं वो आ सकते हैं। ये अटकलें लगानी शुरू कर दी कि अब्दू रोजिक खानजादी को सपोर्ट करने आ सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या सच में अब्दू रोजिक आएंगे, क्योंकि वो खानजादी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। पिछले सीज़न के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक थे अब्दू रोजिक, तो क्या इस बार वो खानजादी को सपोर्ट करने आएंगे, क्योंकि अपने इंस्टा पर उन्होंने ऐसा लिखा है। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खानजादी को अब्दू की फ़ैन फॉलोइंग का सीधा फ़ायदा मिल सकता है, यानी कि अब्दू की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है तो खानजादी को मिल सकता है, क्योंकि अब्दू खानजादी के सपोर्ट में आए हैं और खानजादी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। सब घर वाले उसके पीछे हैं, लेकिन दिख रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उनके फैंस भी उन्हें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्वीट पर ट्वीट किए जाते हैं और खानजादी के सपोर्ट में काफ़ी सारे फैंस उतर के आ रहे हैं उनके लिए। काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्वीट्स भी वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं कि खानजादी अकेली है और बाकी सब उसका उस टीम अप होकर उस पर चढ़ रहे हैं। तो देखा जाता है कि खानजादी काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन वही है ना कि पता नहीं लोगों की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है आउटशाइन करने की। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि खानजादी का ये जो फिजिकल हेल्थ वाला है, क्या वो सच में अभी इस चीज़ से गुजर रही हैं, और अगर गुजर रही हैं तो वो ठीक भी नहीं है, और क्या अगर वो नहीं गुजर रही हैं तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी है सारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। आपको क्या लगता है कि खानजादी ये सब क्यों कर रही हैं? क्या आपको खानजादी का गेम पसंद आ रहा है बिग बॉस के घर में? हमें कमेंट करके बताएं। तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।